ओलंपिक मेडलिस्ट मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कितने लोग हैं? मेरे कपड़े फाड़े गए हैं। ज्यादा जबरदस्ती गई है, हाथ में भी मेरे चोट लगी है, बहुत बहुत गंदी जबरदस्ती हुई है जी। हम अपनी बहनों की बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके लिए हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि इन बेटियों को इन बहनों को न्याय दे दीजिए। एक अपराधी को तो खुला छोड़ा जा रहा है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? एक मिनट रुकिए, कौन सा बैरिकेड तोड़ा है, एक बार चल के देखिए। हम ऊपर के कूद के आए हैं, पुलिस प्रशासन जबरदस्ती बैरिकेड लगा रहा है दोबारा, दो तीन दिन से। हमारा जो हमारे खाप पंचायतों ने जाना कहाँ चाहते हैं ये बताइए। एक मिनट यार, मैडम एक एक करके सवाल पूछोगे तो जवाब दे सकते हैं। इक्कीस तारीख को क्या अनाउंसमेंट हुआ था? क्या अनाउंसमेंट हुआ था? देश की संसद के सामने हमारी पंचायत है, महिला सम्मान महापंचायत। हमारे लोग अंदर नहीं आने दिए जा रहे, हमें जेल में डाल दिया गया है। ब्रजभूषण तो पार्लियामेंट में बैठा है और हम यहाँ जेल में बैठे हैं। आप लोगों को जबरदस्ती भी पकड़ा जा रहा था, अभी देख रहे थे हम लोग। हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि सर हमें जाने दो, हम शांतिपूर्वक जाएंगे। हमने कैंडल मार्च भी किया था, आपको कोई शिकायत मिली? नहीं मिली ना, तो हम इसी शांति से जाना चाहते थे बस। साक्षी को उठा लिया पुलिस प्रशासन ने, डिटेन कर लिया साक्षी को। और ऊपर से उसको पद्मश्री भी दे रखा है, पद्मश्री की भी गरिमा नहीं रखी लोगों ने। जो मेडल मिले जो अवार्ड मिले उनकी भी गरिमा नहीं रख रहे ये लोग। हमने उनको लेटर दिया है, परमिशन का लेटर हमने दिया है। परमिशन अगर नहीं दे रहे, हम नागरिक हैं, हम भी रोड पे चल सकते हैं, तो हमें क्या अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? किस लिए रोका जा रहा हमें? कौन सा बैरिकेड तोड़ा है, एक बार चल के देखिए। हम ऊपर क्या कूद के आए हैं। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती बैरिकेड लगा रहा है दोबारा, दो तीन दिन। हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि सर हमें जाने दो, हम शांतिपूर्वक जाएंगे। हमने कैंडल मार्च भी किया था, आपको कोई शिकायत मिली? नहीं मिली ना, तो हम इसी शांति से जाना चाहते थे बस। हमारे पास चिट्ठी है, लेकिन वो लोग नहीं करना चाहते तो वही नहीं करो। और कोई बैरिकेड टूटा नहीं है, गिरने से बैरिकेड टूटते नहीं है। अभी जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़कर आगे निकलने की कोशिश की है उन सबको रोका गया है और रोककर इस जगह से उनको हटाकर दूसरे जगह ले जाया गया है। बाकी कानूनी कार्रवाई क्या होगी, क्या उल्लंघन हुआ है, इसका आकलन करके आगे की हम लोग ड्यू लीगल प्रोसेस से कानूनी कार्रवाई करेंगे।